इसकी स्टडी मैंने कल भी करी थी, अगर आपने देखा होगा। सो लेट मी शो यू वंस अगेन। तो मैंने ऐसा कुछ 10 मिनट्स में ही बनाया था इसी को देख के। ठीक है, हाँ आज हमने यही बनानी है। ठीक है, तो इसमें हमने हमारा मेन मोटिव ये है कि जो आईज, लिप्स और नोज है उसकी पोजीशनिंग देखनी है। मेन हमने इसी पे ध्यान देना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, सो अभी ये जो ट्यूबलाइट की रिफ्लेक्शन लग रही है, हम इसका यूज भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बनानी है। ठीक है, कोई भी पेंसिल, HB पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो आईज हैं वो पहले हमने आईज ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल रफली ड्रॉ करनी है, और आपको ये पता है कि एक आई दूसरी आई के जो बीच में डिफरेंस है वो सेम होता है ना, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस मार्क कर लेना है। ठीक है, और दूसरी आई की शेप देखो जरा, लाइक दिस। ठीक है, दिख रही है? ऐसे रफली ड्रॉ करेंगे। अभी हमने सिर्फ शेप, चाहे यहाँ पे दो ओवल्स ही लगा दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बीच में मैं इसको आई बॉल ऐड करूंगी। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी बन गई है। ये स्ट्रेट बनानी है। ठीक है, ये नहीं करना कि ये कहीं और जा रही है, कई बच्चों की ये एंगल में आ जाता है। एंगल में नहीं बनानी, स्ट्रेट एक ही लाइन में बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, तो अभी इसका जो नोज है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं बिल्कुल रफली बना रही हूँ, और ये चीज नोज का जो जैसा नोज है वैसा बनाने का ट्राई करो। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे नोज आना चाहिए इसका। प्रॉपर इसकी शेप देखो कि कैसा नोज बना हुआ है। अब हम इसकी थोड़ा सा फेस की शेप भी देखेंगे। अभी इसमें ये जो आईज और यहाँ का डिफरेंस है, ध्यान से यहाँ का डिफरेंस देखो अभी ये चीज का, कि ये कितना है। तो हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, शेप बनाएंगे फेस की। रफ बनाना है बिल्कुल, ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बनना चाहिए, बस ट्राई करना है कि ये कुछ कुछ वैसा बन जाए। बिल्कुल ही सेम एक्सपेक्ट मत करो पहली बार अगर बना रहे हो। हल्की सी उसकी शेप कॉपी करने का ट्राई करो कि कहाँ पे कर्व है कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो फेस की शेप है वो मुझे यहाँ से बड़ा है ऊपर से, और जब नीचे जाता है तो पतला होता जाता है ना,
तो मैं रफली इसकी शेप ऐसे बनाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल रफली, हल्का हल्का ड्रॉ करना है, डार्क ड्रॉ नहीं करना क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुस्टैच है, मूछें हैं, वो हल्की सी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं करना। और इसके जो लिप्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो लाइंस हैं ऐसे, वो बना दो। नीचे थोड़ी सी इसकी बिल्कुल रफ बनाना है, बस हमने यही देखना है कि जो हमारी आईज है, हमारे नोज है, वो कहाँ पे है। तो कल वाले फॉर्मूलाज थोड़े बहुत यूज करने इसमें। तो ये जो आई है इसमें, ये तो पता ही है आपको एक आई और दूसरी आई का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे ये देखो, ये ऐसा शेप है, तो ट्राई करो कि वैसी शेप बनाने की फेस की। अगर पतला बनाना है तो ठीक है, और आईब्रो भी यहाँ से ऐसे हैं। तो मेन पोर्ट्रेट में जो आईज और लिप्स दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जल्दी जल्दी बनाना है, कोई वो डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, फास्ट बनाना है जितना फास्ट हो सके, ठीक है। बट ये कि स्ट्रेट बनाना है, इसमें काफी डिटेलिंग है, तो मैं इसका जो ऊपर वाला सिर है वो बना रही हूँ। मेरा भी बिल्कुल सेम नहीं लग रहा, बहुत डिफरेंट लग रहा है, पर हमने इस चीज पे ध्यान देना है अभी फिलहाल, आईज नोज और लिप्स पे, ठीक है। हमने जस्ट रेफरेंस ली है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि वो बिल्कुल सेम बने, ठीक है। मैंने बिल्कुल रफली बनाया। जब हम इसमें डिटेल ऐड करनी स्टार्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद वैसा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने बेसिक शेप इसकी बना ली, ठीक है। तो हम इसको जैसे मर्जी, फिलहाल मैं चारकोल पेंसिल यूज कर रही हूँ, आप HB पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है। मेन हमने ये प्रैक्टिस करनी है, जो आईज की शेप है वो हम पकड़ पाए कि कैसी है, ठीक है, और जो नोज की शेप है वो देखनी है कि वो प्रॉपर बन जाए हमसे। और ये जो है परफेक्शन के पीछे मत भागो अभी, ठीक है। तब भी मैं थोड़ा रफ बना रही हूँ, अगर मैं ज्यादा डिटेल करने बैठी तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा वर्क करेंगे, ये आईज के नीचे जो उसके डार्क सर्कल्स हैं यहाँ पे, इस वाले में ऐसे है, ठीक है। जब हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना, अपने आप रिजल्ट आएगा। बस ये ट्राई करना कि कल जो सीखा था प्रोपोर्शन, अभी कल ये भी सीखा था कि ईयर्स जो हैं वो आईज से स्टार्ट होते हैं ना। तो ये देखो, इसमें इसकी जो आईब्राउ है यहाँ से ईयर स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये हल्का सा ईयर बना देंगे, इसमें इतना खास दिख नहीं रहा, बिल्कुल रफली बनाना है। रफली मैं बोल रही हूँ, जितना गंद मचा सकते हो उतना मचाओ, ठीक है। बिल्कुल भी डरो मत कि
मेरी ये लाइन खराब हो गई है, इरेजर मत यूज करना, दोबारा दोबारा उस पे दोबारा लाइंस बनाओ, ठीक है? मेसी मेसी ड्राइंग करनी है आज, ठीक है? जितनी मेस क्रिएट कर सकते हो उतनी मेसी बनाओ, तभी हाथ आपका ट्रेन होगा प्रॉपर, ठीक है? क्योंकि हाथ को एक बार खोलने के लिए, जैसे हम सिंगिंग करते हैं तो गले को खोलने के लिए काफी सारी प्रैक्टिसेस होती है ना, वैसे ही अपना हाथ खोलने के लिए वी नीड टू प्रैक्टिस कि उसको फ्री करो। अभी जो ये झुर्रियां हैं यहाँ पे, वो डिटेलिंग बनानी शुरू करो, धीरे धीरे होगी। अगर आपका ये चीज परफेक्ट बन गई ना, नाक सही जगह पे बन गया, ये लिप्स सही जगह पे बन गए, तो इजी हो जाएगा बाद में डिटेल ऐड करना। क्योंकि अगर आपकी यही चीज मेन है कि नाक, आंख और लिप्स और फेस की शेप, ऑफ कोर्स अगर आप चारकोल पेंसिल यूज करोगे वो भी अच्छी चीज है कि चारकोल पेंसिल से अगर आप ये बनाओगे तो एक प्रोफेशनल वाली फील आती है, बट कोई भी पेंसिल हो वो भी चलेगी, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं भी लेनी, अभी बिगिनिंग टाइम है, ठीक है? तो इसमें ना अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, ये मेन रफ ड्राइंग के लिए है, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी उदास नहीं होना कि ये नहीं बन रहा, ऐसे नहीं बन रहा, ये मैं कैसे बनाऊं। कोई बात नहीं, फर्स्ट ट्राई है अभी, ठीक है? इसमें जितना रफ हो सके उतना बनाओ, बस ये सीधी डायरेक्शन में होना चाहिए। कई बार एक आंख ऐसी होती है टेढ़ी, दूसरी आंख दूसरे साइड पे कहीं और जा रही होती है, ये एक सीध में होनी चाहिए, ठीक है? उसके नीचे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं कि ये स्ट्रेट लाइन पे यहाँ है, ठीक है? नाक यहाँ है, लिप्स यहाँ है, इसके लिप्स में तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन पे आ रहा है, ओके? बट जो आईज हैं और नोज है, सिर्फ इस पे ध्यान दो अभी, फिर बाद में डिटेल करो। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितनी है, रफली बना दो, जरूरी नहीं है कि जहां पे है वहीं पे बनाओ, फिलहाल हम डिटेल पे नहीं कर रहे काम। तो अगर एक जो दो है तो एक बना दो, नो प्रॉब्लम। बस रफ बनाना है, ठीक है? ये भी, ये जो वाइट हेयर है इसमें काफी मेहनत लगती है अभी फिलहाल कोई, ठीक है? अभी इसकी जो शेप है वो ऐसे है, यहाँ से ज्यादा वाइड है और नीचे आते आते पतली होती है, राइट? तो अभी इसका थोड़ा सा हम ये साइड बनाएंगे, इसका जो गले वाला पोर्शन है। आपके पास इमेज है ना, तो उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ी छोटी दिख रही होगी आपको, तो जो इमेज मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है तो उसको देखो कि वहां पे कैसे है। पेंसिल बिल्कुल पीछे से पकड़ के तो स्केच करो, ये नहीं है कि यहाँ ऐसे धीरे 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 लगे हुए, नहीं। तो इसके जो आईज के एक्सप्रेशन है वो दुखी वाले हैं ना, तो हमने भी इसको दुखी ही दिखाना है,